Bareilly police has recovered more than rupees 1 crore in cash allegedly from the car of Haridwar's Zila Panchayat Adhyaksh. On the order of Chief Minister Akhilesh Yadav, Bareilly police caught two Scorpio cars, out of which one car belonged to Anjum Begum, the Zila Panchayat Adhyaksh of Uttarakhand. When the car was searched, bags filled with money were recovered and spectator of Election Commission's plate was also recovered. उत्तरांचल के दो गाड़ियां हैं जो स्कॉर्पियो हैं सफेद रंग की सूचना प्राप्त हुई थी कि उसमें लाल बत्ती में कुछ अनधिकृत लोग हैं जो जा रहे हैं और लाल बत्ती इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत नहीं उस सूचना पर जब इस गाड़ियों को चेंज किया गया तो ये गाड़ियां फतेहगंज पूर्वी थाने पर रोकी गई उसके सामने चेकिंग के दौरान और उनके पे सर्च करने पे 1 करोड़ 1 लाख रुपए वहां पे नकदी मिले हैं जिसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी गई और इनकम टैक्स के अधिकारियों को आने के उपरांत उनकी वीडियोग्राफी कराते हुए पूरा जो बैग थे उनके उनकी तलाशी ली गई है और जिसमें 1 करोड़ 1 लाख रुपए निकले हैं उसकी फर्द बनाई जा रही है जो लोग पकड़े गए हैं उनके पास से भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक का एक नेम प्लेट भी मिला है और इनके साथ ये गनर भी चल रहा था तो न तो गनर को लेकर चलने का कोई अधिकृत व्यक्ति उसमें था न ही लाल बत्ती का उपयोग करने वाला कोई व्यक्ति था न ही उसमें कोई प्रेक्षक भारत निर्वाचन आयोग का था तो संबंधित धारा में मुकदमे पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है जो उसका सीजर मेमो तैयार किया जा रहा है जो भी समुचित कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी क्या करते हैं इसमें कुल 6 लोग हैं जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष हरिद्वार के जो नेम प्लेट के साथ जो गाड़ी है उसमें उनके पति जो है वो भी साथ में हैं और बाकी 5 और लोग हैं एक गनर है सभी के पूछताछ की जा रही है विस्तृत जानकारी प्राप्त सर साहिब भी गिरफ्तार हुए जो पूर्व विधायक हैं देखिए अभी हम इसको गिरफ्तारी अभी हम नहीं बता रहे हैं ये गिरफ्तारी नहीं है बल्कि इनसे पूछताछ की जा रही है कि जो भी चीजें इनके पास से मिली हैं क्या इसके लिए अधिकृत है कि नहीं है अभी इसके बारे में पूछताछ की जा रही है फर्द बनने के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी वो उसके अनुसार इसमें नहीं इसमें ले जा रहे थे पैसा क्या अभी तक जानकारी अभी जो प्राथमिक तौर पर जो उन्होंने बताया है उसके अनुसार वो चीजें बताने में आनाकारी कर रहे हैं पूछताछ की जाएगी पूछताछ की जो चीजें निकल के आएगी उसमें कार्रवाई करें कॉरेस्पॉन्डेंट शिव शर्मा फ्रॉम बरेली फॉर ANI